नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। वक्त हो चुका है अड़ी के स्पेशल एडिशन का, एक और हाई प्रोफाइल सीट से। और आज जो हम जिस जगह पे हैं वो तो झारखंड की आर्थिक राजधानी कही जाती है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू रिच डिस्ट्रिक्ट है ये झारखंड का। और यहाँ पर ये जो कोयला का राजधानी कहलाती है ये धनबाद, वहां पर क्या होगा इस बार, किसकी सत्ता, ये हम यहाँ से टटोलेंगे लोगों के मन से। देखिए आज डबल धमाका है। आज हमारे साथ यहाँ लोकल जनता है, आज हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं वो हैं, और आज हमारे साथ आपको टीवी पर दिखने वाले वो बड़े बड़े फेस होंगे, वो प्रवक्ता होंगे जो टीवी पर बैठकर आपको दुनिया भर की और देश भर की बातें जो आपके लिए लेकर आते हैं, आज हम उन सब से बात करेंगे। लेकिन 300 वर्सेस 400 का जो एक नया यहाँ पर अब मुद्दा सामने आया है, जहां इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम 300 के पार जा रहे हैं, वही 400 पार सीटों का दावा एनडीए का, बीजेपी का। आखिर किसके दावे में कितना दम है? क्यों अमित शाह कह रहे हैं कि 300 के पार हम जा चुके हैं पांच चरण में और हम 400 के पार पहुंचने वाले हैं? क्यों केजरीवाल कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया गठबंधन पांच चरण में जो मतदान हुआ उसको देखते हुए 300 के पार जा रहा है? आज इस पर बात करेंगे। पहले आप सुनिए क्या कह रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह। पांच चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं मेरे ओडिया भाइयों बहनों, पांच चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, पांच चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और सातवां 400 पार का है, आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। भाइयों बहनों, देश भर के मतदाताओं के लिए सिर्फ 400 पार का लक्ष्य है। सुना आपने क्या कह रहे हैं यहां पर गृह मंत्री अमित शाह। अब आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या दावा किया है। जैसे जैसे पांचवें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं, वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। तो देखिए अरविंद केजरीवाल को सुना आपने, और जैसा कि मैंने कहा कि आज मेरे साथ पैनल में डबल धमाका है। मैं आपको बताऊं मेरे साथ कौन कौन पहले धनबाद की धरती से जुड़ा हुआ है। मेरे साथ पिंटू सिंह जी हैं जेडीयू से, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए पिंटू सिंह का। मेरे साथ अशोक जी हैं कांग्रेस से, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और मेरे साथ नीलम मिश्रा जी हैं, केंद्रीय महामंत्री हैं जेएमएम की। मैम आप तीनों लोग, आप तीनों मेहमानों से ये गुजारिश है, पोडियम पे आइए, आइए यहाँ डाइस पर आइए, खड़े होइए। और देखिए इनके अलावा मेरे साथ इस वक्त हैं सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। डॉक्टर गुरुप्रकाश पासवान हैं, बीजेपी से जुड़ रहे हैं, और थोड़ी देर में डॉक्टर अजीज खान भी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मैं एक बार कहूंगा अपने तमाम यहां पर जो हमारे जो धनबाद के लोग बैठे हैं, एक बार जोरदार तालियां धनबाद वालों के लिए, धनबाद वालों के लिए। अब एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए जो यहां से जुड़े हैं और जो आपको लाइव दिख रहे हैं। धनबाद वाले एक बार एक सवाल का जवाब दें, तैयार हैं आप लोग? मजा नहीं आ रहा है, जोर से बोलिए, तैयार हैं? आज डिबेट होगी, बढ़िया, आप लोग खुल के बोलेंगे? चलिए आज इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहां पिंटू जी आप ही से सवाल लेता हूं, 400 पार नहीं होंगे आप, इंडिया वाले कह रहे हैं हम 300 के पार हो रहे हैं, बोलिए। हेलो हेलो, क्या बोले आप सवाल? इंडिया वाले कह रहे हैं हमारी सीटें 300 के पार हो रही हैं, आप लोगों की एनडीए की सीटें 400 पार नहीं हो रही हैं। इंडिया गठबंधन अब रहा कहाँ है? इंडिया गठबंधन का नाम जो नीतीश कुमार जी दिए थे वो तो अब एनडीए में आ गए हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन नाम के कोई चीज़ है नहीं। और झारखंड में देख लीजिए कि इंडिया गठबंधन का क्या हाल है, उसका क्या हाल है। पहले वो अपना कुनबा को बचा लें, और 400 नहीं, हम तो कहते हैं वो लोग 100 सीट पार नहीं करेगा, 100 सीट नहीं पार करेंगे। अशोक जी क्या कह रहे हैं, 100 सीट नहीं पार करेंगे? सबसे पहले हमारे यहाँ जो ऑडियंस है उन सबको जोहार, और टीवी 9 भारतवर्ष को जो देख रहे हैं पूरे देश में उन सभी को धनबाद के तरफ से, झारखंड के तरफ से बहुत बहुत जोहार, नमस्कार।
पिंटू भाई ने अभी जो कहा 100 नहीं पार करेंगे, ये तो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी का बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि वो कितना पार करेंगे। आज ही के बात है, मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री कहीं पे भाषण दे रहे थे और वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन वाले जो हैं वो देश को डरा रहे हैं कि पाकिस्तान एटम बम गिरा देगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यही इंडिया वाले लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं। हैं, ये मोदी जी शायद भूल जाते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी कांग्रेस के राज में, मैं ये पूछ रहा हूँ 300 पार आप जो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं आप 400 पार नहीं होगा, इसका क्या आधार है? पूरी बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, फोर्थ फेज। जो झारखंड की बात मैं करूं तो झारखंड में भी जो 4 फेज के चुनाव हुए हैं, हाँ, वो चारों फेज में इंडिया गठबंधन आगे है।